गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर मैथ्स क्लास। इन दिस क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर 13 ऑफ डिस्कवरिंग मैथ्स बुक। सो लेट अस स्टार्ट। अवर 13 चैप्टर इज मनी। नाउ कम टू दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ओन वन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। वी नो दैट कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। सो देन रुपी 12, जब 12 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 100 टू 1200 पैसे। कम टू बी पार्ट, रुपी 35, सो 35 मल्टीप्लाई बाई 100, सो 3500 पैसे। ऐसे ही थर्ड सी पार्ट के अंदर 59 रुपीज़ एंड 89 पैसे। 89 तो अपने पास पैसे ही हैं, 59 को कन्वर्ट करेंगे। 59 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 5900 प्लस 89 तो 5989 पैसे। ऐसे इसका डी पार्ट भी करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। प्रैक्टिस जोन टू, कन्वर्ट द गिवन पैसे इनटू रुपीज। अब रुपीज में इसको कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, तो 800 डिवाइडेड बाय 100 तो 8 रुपी। सेकेंड पार्ट, 4200 पैसे, तो 4200 डिवाइडेड बाय 100 तो 42 रुपीज़। ऐसे आपके रिमेनिंग इसके पार्ट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन थ्री। प्रैक्टिस जोन थ्री के अंदर कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग। सो मैंने इसमें ए और सी पार्ट किया है, आप बी और डी खुद से ट्राई करेंगे। इसमें रुपीज़ के नीचे रुपीज़ वाली वैल्यू आएगी और पैसे के नीचे पैसे। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अमन गेव रुपीज़ 2500 टू इज वाइफ, 1900 रुपीज़ एंड 25 पैसे टू इज डॉटर एंड रुपीज़ 1478 एंड 45 पैसे टू हिज सन। हाउ मच मनी डिड ही गिव इन ऑल। सो अपने को पूछ रहे हैं उसने टोटल कितना मनी अपने फैमिली मेंबर्स को दिया। तो तीनों को जब अपने प्लस करेंगे तो अपने पास कितना रुपीज़ आएगा, 5878 रुपीज एंड 70 पैसे। नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन फोर। प्रैक्टिस जोन फोर में भी अपने को क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, माइनस करना है। माइनस हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। एक टर्म इसमें याद रखना कि रुपीज़ के नीचे रुपीज़ वाली वैल्यू और पैसे के नीचे पैसे। अब जैसे ए पार्ट के अंदर रुपीज़ 245 फ्रॉम रुपीज़ 493 एंड 45 पैसे, दोनों में से ग्रेटर वैल्यू 493 रुपीज़ एंड 45 पैसे, तो इसको ऊपर लिख देंगे और रुपीज़ 245 नीचे लिखेंगे। अब रुपीज़ 245 के साथ अपने पास पैसे नहीं है तो पैसे नहीं लिखेंगे अपने, सीधा 45 पैसे और बाकी को माइनस करेंगे। तो रुपीज़ 248 45 पैसे इज़ द आंसर। ऐसे इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। रमेश पेड रुपीज़ 578 टू शॉपकीपर फॉर परचेजिंग सम आइटम। इफ़ द शॉपकीपर रिटर्न रुपीज़ 23 एंड 56 पैसे, हाउ मच डिड ही पे फॉर देम। तो कह रहे हैं कि रमेश ने इतना पे किया शॉपकीपर को और शॉपकीपर ने उसको कितना रिटर्न किया, 23 रुपी 56 पैसे। तो कह रहे हैं कि उसने जो आइटम परचेज की वो कितने रुपी की थी, दोनों को माइनस करेंगे तो रुपीज़ 554.44 पैसे। नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन फाइव। प्रैक्टिस जोन फाइव के अंदर कह रहे हैं व्हाट विल बी द प्राइज़ ऑफ 14 ऑरेंजेस इफ वन कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 3.50 पैसे। कह रहे हैं 14 ऑरेंज की कॉस्ट बतानी है, वन ऑरेंज की कॉस्ट रुपीज़ 3.50 पैसे है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने तो 49 रुपीज़ इज़ द आंसर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज़ रुपीज़ 42, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 मीटर लॉन्ग वायर। 1 मीटर का कॉस्ट 42 दे रखा है और 27 मीटर की कॉस्ट बतानी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1134 इज़ द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रैक्टिस जोन सिक्स।
द कॉस्ट ऑफ 17 पेन्स इज ₹85, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन। 17 पेन की कॉस्ट 85 दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वन पेन फाइंड आउट करना है, ज़्यादा की दे रखी कम की निकालनी है, तो क्या करेंगे डिवाइड, तो 85 डिवाइडेड बाय 17, ₹100, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹5। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इफ़ द कॉस्ट ऑफ 42 एप्पल इज ₹882। वन एप्पल की कॉस्ट बतानी है तो 882 डिवाइडेड बाय 42, सो ₹21 इज द आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।